हम आप MCU और DCU के नए नए प्रोजेक्ट को देखकर या उनके बारे में सुनकर इतना एक्साइटेड हो गए हैं कि हमें जरा भी अंदाजा नहीं है कि वार्नर ब्रोस अपने नए नए प्रोजेक्ट जैसे मैट रीव्स की बैटमैन, ब्लैक एडम, द फ्लैश और एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम और DC द वर्ल्ड नीड्स हीरो वाले TV स्पॉट में उनके कुछ क्लिप्स को दिखाकर हम ऑडियंस से बहुत कुछ छुपा रहे हैं, जिससे कि हम फैंस को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है जिसका हमें जरा भी अंदाजा नहीं है। हे गाइस, दिस इज सरफराज और आप देख रहे हैं सुपर हीरो मल्टीवर्स और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं DCEU में जस्टिस लीग के कुछ ऐसे कैरेक्टर के बारे में जिन्हें देखकर हम बड़े हुए हैं और जिसे वार्नर ब्रोस अपनी मनमानी करके DCEU के यूनिवर्स से गायब कर रहा है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं दुनिया को बचाने का सिलसिला। हम जानते हैं कि DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स के क्रिएशन के बाद से ही जब जैक स्नाइडर जैसे ग्रेट डायरेक्टर को जस्टिस लीग जैसी बड़ी मूवी को छोड़ना पड़ा क्योंकि उनकी बेटी के साथ जो हुआ वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, और इन सब के बाद फिर जॉस वीडन ने जस्टिस लीग को डायरेक्ट किया तो वो एक बेकार सी मूवी बन के ऑडियंस के सामने आई जिसमें इतना अच्छा स्टार कास्ट होने के बाद भी मूवी कुछ कमाल नहीं कर पाई, हम ऑडियंस को भी इम्प्रेस नहीं कर पाई एवेंजर्स की तरह, और फिर DCEU अपने कुछ सुपर हीरो स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट पर फोकस करने लगे जिससे कि एक अच्छा डिसीजन कह सकते हैं। बट प्रॉब्लम यही थी कि कौन सी मूवी किस यूनिवर्स के किस टाइमलाइन में एग्जिस्ट करती है ये अभी तक हम ऑडियंस को पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ। और फिर स्नाइडर कट की जस्टिस लीग हमें देखने को मिली जो कि एक कमाल की मूवी साबित हुई, जिससे कि हमें जैक स्नाइडर का जस्टिस लीग को लेकर क्या विजन था वो समझ में आया, जो कि पहले ही रिलीज हो गया होता तो आज एक अलग DCU हमें देखने को मिलता। बट अब ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि वार्नर ब्रोस ऑडियंस से पहले अपने डिसीजन को ऊपर रखते हैं और उन्होंने अपने खाली दिमाग लगाया और सोचा कि जिन कैरेक्टर की मूवीज चल रही है उन्हें DCU के फ्यूचर में दिखाया जाएगा और जिन कैरेक्टर की मूवीज से उनको प्रॉब्लम हुआ, उनको नुकसान हुआ, उनकी सो कॉल्ड बदनामी हुई, उन मूवीज या कैरेक्टर का वजूद ही मिटा देंगे DCEU से। जी हाँ, सरप्राइज होने की बात नहीं है अगर मैं ये कहूँ कि फ्यूचर में हमें जस्टिस लीग के फॉर्मर मेंबर जैसे बेन एफ्लेक के बैटमैन, हेनरी कैविल का सुपरमैन और रे फिशर का साइबॉर्ग DCU से हमेशा के लिए इरेज होने वाला है। और ये कैसे होगा तो मैं आपको बता दूं कि DCEU की अपकमिंग मूवी द फ्लैश मूवी में कुछ ऐसा होने वाला है जिसमें फ्लैश मूवी के एक पॉइंट पर पूरे DCEU को अपने पावर से अल्टर कर देगा और जहां स्नाइडर वर्स टोटली इरेज हो जाएगी और आगे जो जस्टिस लीग बनेगी उसमें हमें हेनरी कैविल के सुपरमैन की जगह सुपर गर्ल देखने को मिलेगी और बेन एफ्लेक के बैटमैन की जगह माइकल कीटन के यूनिवर्स से बैट गर्ल देखने को मिलेगी और उनको लीड करते हुए कुछ पुराने कैरेक्टर जैसे वंडर वुमन, एक्वामैन और सजाम जैसे कैरेक्टर जस्टिस लीग के न्यू टीम में दिखेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा चेंज हो DCEU के यूनिवर्स का। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है सुपर गर्ल पर अगर स्टैंड अलोन मूवी बनी तो उसे वार्नर ब्रोस क्या नाम देंगे, वुमन ऑफ स्टील सुनने में ही अजीब लग रहा है। रही बात हेनरी कैविल के सुपरमैन और बेन एफ्लेक के बैटमैन और रे फिशर के साइबॉर्ग की तो ये पूरी तरह से गायब हो जाएंगे DCEU से जैसा मुझे सुनने में आ रहा है। और इन सब में एक अच्छी बात यह है कि बेन एफ्लेक का बैटमैन हमें द फ्लैश मूवी में आखिरी बार एक्शन करता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि उन्होंने खुद कहा है कि DCEU में सबसे ज्यादा अच्छा जिस मूवी में काम करने में उन्हें लगा है वो है द फ्लैश मूवी, जिसमें उनको एक ग्रेट एंड भी मिलने वाला है। आई होप ये मूवी कम से कम उनके कैरेक्टर को जस्टिस दे दे। और ये सब जानकर इतना तो समझ में आ गया कि फ्लैश मूवी के बाद हमें एक नई जस्टिस लीग देखने को जो कि हम ऑडियंस को कितना इम्प्रेस कर पाएगी ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा, और अच्छा ही हो नहीं तो हर 5 साल पे हमें वार्नर ब्रोस की तरफ से सिर्फ रीबूट ही दिखने को मिलेगा DCEU के यूनिवर्स में, जो कि बहुत बुरा होगा। तो ये थे DCEU में न्यू जस्टिस लीग से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कोई क्यूरी है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल पे क्लिक करें जिससे कि आपको हमारे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और अगर इसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर दे और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कर दे। तो इसी पॉइंट पे मैं अपने इन्फॉर्मेशन के पिटारे को बंद करता हूँ। होप यू एंजॉय, टेक केयर, स्टे सेफ, फिर मिलेंगे मल्टीवर्स में। थैंक।